बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाने के आदेश हो जाते हैं और हरजिंदर सिंह वहां से छोड़ करके बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चला जाता है। आप लोगों ने वीडियो देखी, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब पहली बार लाठीचार्ज होता है उसमें किसी तरह के कोई ऐसा नहीं कि किसकी वजह से हुआ, कारण कोई भी रहा हो, मैं उस कारण का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की अच्छाई या बुराई करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं किसी पत्रकार की बुराई करने, मैं सिर्फ अपने परिवार की सफाई देने के लिए आया हूँ, ताकि जो लोगों का हृदय दुखा है उस वो मेरी बात को भी समझ सकें। अगर हम सही लगे हैं तो सही माने, नहीं तो फिर जो उनकी इच्छा है वो कह सकते हैं। वीडियो एक्चुअली जिहड़ी है तुसीं गल्लां कहियां ने, ठीक है, तुसीं आपदा पक्ष रख्या, तस्वीरां भी तुसीं लिखाईयां परिवार। लेट मी कंप्लीट सर, एक्टिव, हां चलो ठीक, लेट मी कंप्लीट, देन व्हाटएवर यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। तो सर उसके बाद क्या होता है, वहां पर लाठीचार्ज हो जाता है। लाठीचार्ज होने के बाद सर ये मतलब मैं आपको बिल्कुल, जब कभी इंक्वायरी होगी मैं उस इंक्वायरी का आप कभी ना कभी ये तथ्य निकल करके आएंगे। आज ये माहौल नहीं, आज समय नहीं कि मैं आपको उस षड्यंत्रकारी का नाम बता सकूं। ये एक षड्यंत्र था। क्या षड्यंत्र रचा गया था? विशेष षड्यंत्र था एक कौम को बदनाम करने का। एक 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 जो है दुकानदार, मैं एक पहले किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक दुकानदार के दुकान रोल है, आप करनाल से पता कर सकते हैं, जितना मेरा ख्याल इन्होंने बढ़िया रोल इन्होंने प्ले किया है। इवन इनके ऊपर वहाँ पर एक फिल्म बनी कोरोना के बारे में, लोगों को सूचित किया गया जिसके माध्यम से ये दिखाना होता है कि आप मास्क पहनिए। उस फिल्म को अब 2,94,000 रुपये व्यूज़ हो चुके हैं, तो उस चैनल की जाहिर है TRP भी बड़ी होगी, लेकिन वहाँ भी कौम ने फ़ख्र महसूस किया कि हमारा एक सिख नौजवान वहाँ काम कर रहा है, और कौम को उसके ऊपर बहुत बड़ा मान था। और इसके अलावा अब बात 28 की बात होती है, सिंह जी जो है वो सुसाइड कर जाते हैं, और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन को अब आदमी ढूंढना कि इनकी डेड बॉडी के साथ कौन जाए, ताकि वहाँ पर कोई विरोध ना हो, कोई नारा ना लगे कि ये पता नहीं क्या हो गया, किस तरह है। उस समय भी हायर अथॉरिटी का कमांड होता है कि हरजिंदर सिंह जी आप इनकी डेड बॉडी को लेकर के जाइए, उनका पोस्टमार्टम करवाइए, और जब तक वहाँ पर उनकी अंतिम अरदास भोग नहीं हो जाता आपकी ड्यूटी वहीं लगी है। और वहाँ पर हरजिंदर सिंह ने एक बहुत ही एक्टिवली और बहुत बढ़िया रोल उसने प्ले किया, और उस समय कौम ने इस बात पर गर्व भी किया कि एक आदमी ने बहुत अच्छा, अदरवाइज वहाँ माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत कॉर्डली एटमॉस्फेयर में वहाँ जाकर के ऐसा किया है। किसान प्रोटेस्ट भी या किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले मैं ज़रूर मतलब चाहूँगा कि आप लोग इस बात को ज़रूर दर्शाइए कि हमारी भूमिका किसान में क्या रही है, जहाँ हमने क्या भूमिका अदा की है। इसके अलावा हम लोग जो हैं, आप सबने देख लिया है, हम खेती करते हैं, किसान लोग हैं, हम सबसे पहले किसान हैं। मतलब ये नहीं कि हमारा बाद में जो हर चीज़ में, अगर कोई आदमी सर्विस करता है, हरजिंदर सिंह भी सर्विस कर रहा है, जब वो सर्विस करता है तब वो इंस्पेक्टर है, जब वो घर आता है तो वो किसान है। क्योंकि हमारी रोजी रोटी, हमने जो भी आज जो भी ये सब आप देख रहे हैं, जो भी कुछ प्राप्त किया, जितना लोगों का जनता का प्रेम प्राप्त किया है, वो शायद हमने सर्विस करके प्राप्त नहीं किया होगा कि हम किसी नौकरी पर लगे हैं जहाँ हरजिंदर सिंह इंस्पेक्टर। ये लोग इसलिए नहीं आए हैं, ये लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग किसान हैं और हमारा यहाँ के किसानों के साथ बहुत प्रेम प्यार है, संबंध है। इसके अलावा अब अगर असली बात पे मैं आता हूँ, हरजिंदर सिंह SHO जिसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, देश विदेशों में बहुत लोगों के दिल दुखे हैं, उनका दिल दुखना वाजिब है क्योंकि उनको दूसरे पक्ष का पता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारा दूसरा पक्ष यहाँ पर सुनने आए हैं। हरजिंदर सिंह की 28 तारीख से पहले की जो भूमिका है, मैं उसके बारे में ज़रा ज़रूर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हरजिंदर सिंह की जो है, वहाँ पर जैसे ही किसान आंदोलन शुरू होता है, कुछ जो जितने भी सिख ऑफिसर्स थे, SPs थे या इंस्पेक्टर्स थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सिख कौम के लोग थे और उसके लिए उनका होना वहाँ पर ज़रूरी था, वहाँ पर हरजिंदर सिंह की ड्यूटी लगती है और हरजिंदर सिंह उन लोगों के साथ 25 दिन वहाँ पर गुजारता है। और वहाँ पर हरजिंदर सिंह इतना एक्टिव मेम्बर होता है कि वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप BKU बना हुआ है, आप सबको पता होगा, उसका एडमिन हरजिंदर सिंह है। हरजिंदर सिंह के उस ग्रुप में जो है 32 के 32 जो हमारी जथेबंदियां हैं, चाहे वो रिकेश टकेश जी हैं, चाहे वो राजीवाल साहब हैं, डल्लेवाल साहब हैं, दर्शनपाल सिंह जी हैं, जो भी हमारे नेता हैं, उग्रह साहब हैं, सब नेताओं का ग्रुप इसमें मेंबर हैं। उनको ने जब कोई मैसेज शेयर करना हो तो ही द एडमिन, स्टिल ही इज द एडमिन, अभी भी ये एडमिन है। वहाँ पर इसी हरजिंदर सिंह ने, आप उन किसान नेताओं से पूछ सकते हैं कि अगर उनको कहीं टॉयलेट की प्रॉब्लम आई, उनको कोई यूरिनल की प्रॉब्लम आई, उनको कोई टेलीफोन की प्रॉब्लम आई, तो इस आदमी ने उसका प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की। ये एक ऑफिसर होने के नाते तो इसका फर्ज बनता ही बनता था, लेकिन इसकी नैतिकता भी बनती थी क्योंकि ये किसान परिवार से संबंध रखता था। फ़ोन भी किए और बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस भी आए हैं, उन्होंने हमें
पहली बात तो शायद किसानों किसानी से ही हमें निकारने की कोशिश की कि शायद ये किसान ही नहीं होंगे जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके बच्चे ने ऐसा किया है। और दूसरी बात ये है कि हमारा किसान प्रोटेस्ट में शायद लोगों को पता ही नहीं कि हमारा उसमें क्या रोल रहा है, जहाँ हमने उसमें क्या भूमिका निभाई है। तो आप लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा कि आप हमारा पक्ष सुनने के लिए आए हैं। तीन रातें जैसे हमने निकाली हैं वो हमें पता है, हो सकता है हम तो आधी रात के बाद सो गए हों, लेकिन जिन लोगों के हृदय को ठेस पहुंची है देश में विदेश में, हो सकता है वो सारी सारी रात ना सोए हों, क्योंकि ये एक विशेष कौम के ऊपर बात आई है। और जब कौम पे बात आती है तो फिर सारी कौम को दर्द होता है और हृदय उनका जो है फटता है, जो उनको दुख होता है। मैं सबसे पहले मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ कि हमारी फैमिली का, विशेष तौर पर अगर मैं हरजिंदर सिंह SHO की बात करता हूँ, आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि हमारे परिवार के ऊपर एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष पार्टी यानी जजप्पा पार्टी, मेरा भतीजा सरदार जसविंदर सिंह जजप्पा पार्टी का लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो जसविंदर हरजिंदर सिंह का कजन ब्रदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहा गया है कि वो SHO जो है जसविंदर सिंह जहाँ जो है जजप्पा पार्टी के वो लीडर होने की वजह से ऐसा किसानों के साथ बदला ले रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जिन नेताओं ने या जिन लोगों ने इस बात को कहा उन्होंने ये तो सच्चाई कह दी, लेकिन उन्होंने दूसरा पक्ष नहीं रखा, जबकि दूसरा पक्ष रखा जाना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस पार्टी, ये जो SHO हरजिंदर सिंह है, इसके रियल मतलब इसके जो हैं रियल ब्रदर और इनके फादर जो हैं, इनके फादर इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान हैं। शायद आपको पता हो लेकिन ये मीडिया के माध्यम से मैं पहली बार बताना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जो पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी हुई है, जिनकी पार्टी का एक ही MLA था वो रिज़ाइन करके चला गया। तो मेरा ख्याल इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का आदमी आप ये नहीं कह सकते कि वो किसान हितैषी नहीं हो सकता है। ये आप फोटो देख सकते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ये हरजिंदर सिंह जी के फादर हैं सरदार बूटा सिंह, ये पार्टी अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, जिनके साथ ये सिंघू बॉर्डर पर गए, और आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा इन्होंने किसानों के पक्ष में या किसानों के हक की बात नहीं कही होगी। दूसरी बात, परिवार में मैं इसके रियल ब्रदर की बात करता हूँ, ये इसका ब्रदर है सरदार सुरेंद्र सिंह, ये सिंघू बॉर्डर पर गया, ये भी फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सिंघू बॉर्डर पर वहाँ पे इसकी तारीफ है, इसकी फ़ोटो है, ये भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आप मेरे से फ़ोटो मांगोगे तो मैं आप लोगों को फ़ोटो भी दे सकता हूँ। अब अगर मैं इसके मैं हमारे परिवार की बात करता हूँ, हमारा परिवार सारा खेती का किसान ब्रदर है। मुझे दुख है कि हमारे बीच में आज हमारा एक भाई नहीं है सरदार रवेल सिंह जी, मेरा ख्याल आज वो यहाँ पर होते तो शायद उनका, वो जितने खेती प्रेमी थे शायद हम उनके 50% भी नहीं, पर वो आज अफसोस कि आज हमारे बीच भी नहीं है और दुनिया छोड़ के चले गए हैं। उसके अलावा जो है ये इसके सरदार अजमेर सिंह, और सरदार गुरमेज सिंह, ये सिंघू बॉर्डर पर गए हुए हैं, इनके साथ जो कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और सरदार पाल सिंह जी बैठे हुए, सतपाल सिंह जी, ये भी सिंघू बॉर्डर पर वहाँ पर गए हैं, और भी कुछ जाने माने व्यक्ति हैं जो सिंघू बॉर्डर पर गए हैं। ये चाचे जो इसके हैं सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरमेज सिंह की भूमिका मैं बताना चाहूँगा, ये फिर अजमेर सिंह वहीं पर सिंघू बॉर्डर की बात आ रही है। इसके उपरांत अगर मैं बात करता हूं कि क्या आगे बच्चों में से आपके कोई फार्मर प्रोटेस्ट में, मैं हरजिंदर सिंह खैरा के जो ब्रदर हैं सुरेंद्र सिंह, उसका तो फार्मर में भूमिका मैं आपको बता चुका हूं। हमारे भतीजा यही खड़ा है, ये लड़का फिल्मों में भी हीरो है, ये लड़का, ये विक्रमजीत सिंह खैरा, जो मेरा ख्याल जिसने जब से 9 महीने हुए हैं 9 महीनों में से 9 दिन तो घर आया होगा, बाकी दिन इसने सिंघू बॉर्डर पर और कहीं पर गुजारे हैं। विक्रमजीत सिंह गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ बिल्कुल नेताओं को मिलना, वहाँ जा करके अगर नेताओं को नहीं मिलते हैं तो उनके साथ आप विचार विमर्श नहीं करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये इसी विक्रमजीत सिंह का फादर है अजमेर सिंह। इसके अलावा जो है मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, ये खैरा फार्म लुक्खी लिखा हुआ है, जो बहुत आजकल वीडियो में भी आ रहा है। ये खैरा फार्म लुक्खी की ट्राली, आप जो है बाबा मानयोग, बाबा संत अमरीक सिंह जी का जो लंगर चल रहा है वहाँ पर खड़ी ट्राली है, इसके अंदर AC फिट किया हुआ है, और ये ट्राली भी तब से वहाँ खड़ी है जब से वो वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा फिर मैं इस बच्चे की बात करता हूँ, प्लांटेड है, प्रोजेक्टेड है, षड्यंत्र है, वो समय बताने के बाद अपने पास। तो परिवारिक रंजिश मान सकते हैं जत्थेबंदियों से और संयुक्त किसान मोर्चे से आप कहेंगे कि अगर इकट्ठे होकर, क्योंकि बात कौम की आ रही है, जी, अगर वो संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर ले तो चीजें सामने आ जाएंगी दोनों की? मैं कहता हूँ संयुक्त मोर्चा जाँच भी करे, और संयुक्त मोर्चा अगर हमें स्पष्टीकरण के लिए बुलाए, आदेश दे, हम जाने के लिए तैयार।
और अगर गलती नहीं गलती तो सजा के लिए भी सजा के लिए यार बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, कमाल कर रहे हो, सजा मिलनी चाहिए। भी फोन आए होने हैं गद्दारी दा टैग बहुत बड़ा होता है कि जी टैग लाता एक फोटो वायरल हो गई है उदो की सर वो अपने ने सानू गद्दार डिक्लेयर किया साडे अपने आ जिद्दन सानू उन्हां दी गल क्लियर हो जू साडे अपने स्वीकार कर लेंगे सानू अपना मारू ते सुट्टू ते छावें ही ठीक है सर। थैंक यू सर। इस बात का प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए, मेरे से नहीं करना चाहिए सर। एक इसका जवाब आप जरूर वो देने चाहिए उनको सर। क्या लगता है आपको इसके करके कि मैं तो जिला प्रधान हूँ, नहीं वो उसका प्रयोग नहीं करेंगे, अलग रहेंगे। हाँ अगर पार्टी हाईकमान कहेंगी कि आप बिल्कुल इस्तीफा दीजिए तो जो पार्टी का आदेश होगा। एक सवाल तो डरे तुसी किसानी नाल खड़े हुए क्लेम किया किसानी नाल खड़े आगे भी खड़े रहोगे तुहाडी अपने बेटे नाल गलबात हुई कि जो होया इस तो बिना भी कुछ हो सकता सी कोई होर रास्ता सीगा लाठीचार्ज तो बिना जो तुसी अपना सकते सी कि या फिर लाठीचार्ज ही आखिरी एक ऐसा सीगा कि जिस तो बिना साथ नहीं रहा। नहीं सर सर वो ओदे च बेटे दा कोई मैं नहीं सर तुसी बेटर है कि ये ज्यादा सवाल मेरे नाल तुसी करो बेटर है। मैं इन्हां दा एक प्रतिनिधि तो समझो तुसी मैं नहीं बोल रहा सरदार बूटा सिंह ही बोल रहे सर। बिल्कुल सर वो साडी जो परिवार दे कई बार बंदा नहीं कह पाउंदा जिहड़ा होया ना होया ऑप्शन होने चाहिए। हरजिंदर सिंह तो एक इंस्पैक्टर लैवल पुलिस ऑफिसर है, ये हाई कमान के आदेश है या नहीं है हाई कमान ने वेखना है की करना की ऑप्शन से। तो बड़े बड़े ऑफिसर आई एस ऑफिसर है, एस पी साहब हैं, आई जी साहब हैं, डी जी पी साहब हैं, ए डी जी पी साहब हैं, उन्होंने देखना कि इसके क्या क्या ऑप्शन हैं और जो इनको तो आदेश होता है। आपने ये क्या ये कहें कि ऑफिसर को कहें कि नहीं सर ये ऑप्शन ये ऑप्शन हो सकता है। सर एसडीएम की तो बात आपने एसडीएम की तो अपने जो है अपने स्टेट के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया कि गलत कहा है और डीसी साहब ने भी खेद व्यक्त किया और मैं कौन होता उसके बारे में कहने वाला, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं सर कोई राजनीतिक मेरी बेनती है कि मैं कोई राजनीतिक सर मेरी बेनती है कि मैं सिर्फ अपनी परिवारिक गल कर साझी करना आया। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम आए हो, बहुत मतलब मैं थोड़ा ऋणी है कि तुम साड़ी गल भी सुनी। दुख तो मैंने पहले कह दिया सर, दुख प्रकट सर मैंने पहले कह दिया। जो दुख जहाँ जवान और किसान टकरा रहे हैं इससे बड़ा और क्या दुख होता सर, वो भी स्टेट में वो भी एक जिले में तो दुख तो है सर। कल कोई मैं नहीं अलग नहीं हो रहा, मैं अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हूं और अपने पद से अलग हो रहा हूं। पद से इस्तीफा दे रहे हो जिला अध्यक्ष के पद से नैलो में हूं और नैलो में रहूंगा जब तक जांच नहीं चले। ये अपने तब तक ये अपने पद का कोई फायदा नहीं उठाएंगे, कोई अपने पद का प्रयोग नहीं करेंगे और जब वो प्रकरण की जाँच हो जाएगी वापस अपने पद। निंदा करता हूं और मैं भी एक किसान हूं और शुरू से ही मेरा पूरा परिवार इस किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है और आगे भी पूरे तन मन और धन से किसानों के इसी आंदोलन में जुड़ा रहेगा। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिला प्रधान हूं। हमारी पार्टी ने कल 30 अगस्त को एसपी करनाल से मिलकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। मैं जब तक इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती मैं भी नैतिकता के आधार पर अपने इस पद से अलग रहता हूं और किसानों के साथ रहूंगा और मैं अंत में संयुक्त किसान मोर्चे से अपील करता हूं कि आप भी अपने सत्र पर पूरे घटनाक्रम की जांच करवाएं क्योंकि कुछ लोग व्यक्तिगत रंजिश के बहाने किसानों का आंदोलन की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाठी मारेगी उन्हें अपशब्द प्रयोग किए हैं, अदरवाइज और कोई गल नहीं। अदरवाइज इन्हों भी कुछ कह सकते थे, जेडे बंद ने हाथ जोड़े उन्होंने भी कुछ कह सकते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। वो अपशब्द बुग्गा सन अमृत बुग्गा किसान मैं सर मैं नाम नहीं जानता सर मैं नाम नहीं जानता प्रेस प्रवक्ता अज ते को मैं पता चलिया कि प्रेस प्रवक्ता लेकिन सर हो सकता है लेकिन मैं उन्होंने अच्छ किसान हल तक किसान समझ रहे क्योंकि किसान कहते कि वो किसान से और जब आंदोलन में आए तो नेचुरली किसान ही माना। सर भारतीय किसान यूनियन के लोग आपके यहाँ आते हैं पुतला फूकते हैं, कल रोड पे फूका गया, क्या कहेंगे अधिकार है उनका?
परिवार को कोई डर इस चीज को लेकर? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। किस चीज का डर है? किस चीज डर तो दो ना, अगर हमने कोई गलत काम किया हो। आप लोगों को कौन का गद्दार कहा जा रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि बूटा सिंह जी को सारा कुरुक्षेत्र जानता है, सारी जगह जानते हैं, इनेलो में रहे हैं, किसानों के साथ शुरू से खड़े हैं। सर वो तो कौम देखेगी। अगर हरजिंदर सिंह ऐसा कदम ना उठाता तो सारी कौम गद्दार कहते लोग। हरजिंदर सिंह ने ऐसा कदम उठाया तो अब हरजिंदर सिंह को कौम का गद्दार कहा जाता है, जा रहा है। अगर कौम को अच्छा लगेगा तो हरजिंदर सिंह को वापस कर देंगे शब्द, नहीं लगेगा तो कौम बढ़ी होती है। हालांकि लाठीचार्ज रोहतक में और हिसार में भी हुआ है, लेकिन पोस्ट केवल हरजिंदर सिंह को टारगेट करके बनाई जाती है। केवल दो घंटे के अंदर पोस्टें बनकर वायरल हो जाती है। बिल्कुल सर, षडयंत्र उसका, किसी की पहचान की गई आपकी ओर से? सर सब आएंगे, सब नाम आएंगे आपके सामने। मैंने कहा कि मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, सब आएंगे, सब कुछ आएगा। हिसार में वो होते लाठीचार्ज होता है, चंडीगढ़ में लाठीचार्ज होता है, चंडीगढ़ में सिख नौजवानों के ऊपर अटैक करते हैं, हिसार में जाट नौजवानों पर अटैक करते हैं। ये कैसा क्या होगा कि आपने तीन नवयुवकों को पकड़ा और उनके जो है उनके ऊपर आरोप? ये एक षडयंत्र है। मैं अपनी कौम को भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस षडयंत्र को समझिए। आप इस आंदोलन को दूसरा रूप मत दीजिए, आप इस आंदोलन को आंदोलन रहने दीजिए। और उस आंदोलन को जिस तरह से आप चला रहे हैं, बूटा सिंह जी अपने पहले कुछ गल रखना चाहूंगा। पहले गल रखें, जसविंदर खैरा का भी नाम जोड़ा जा रहा है। जी जोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे? जसविंदर खैरा ब्रदर है, मेरा भतीजा है, हरजिंदर सिंह का ब्रदर है। और आप मेरे जसविंदर सिंह तो कजन ब्रदर हो गया, जिसका रियल ब्रदर इंडियन नेशनल लोकदल का जिला प्रधान हो, और आप ये कहो कि गवर्नमेंट के इशारे पे ऐसा हुआ है, हाउ इट इज पॉसिबल? इतने पहले काम हुए तब तो गवर्नमेंट का इशारा नहीं हुआ। तो कम से कम चीजें खुलकर सर खुलकर आएगी, वक्त लगेगा खुलकर आएगी। राजनीतिक लोग हैं या इनके डिपार्टमेंट के कौन हैं वो लोग? तो सर ये अभी मैं इसकी आप इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद नहीं, नाम नहीं सर। मैं प्रेस मैं नाम ले सकता था, लेकिन हो सकता है प्रशासन की जो इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले सकता। डिपार्टमेंटल है या पॉलिटिकल है वो सर वक्त बताएगा। ये मेरी बात सुनेंगे, लोगों की इच्छा होगी तो हमें स्वीकार कर लेंगे, नहीं इच्छा होगी लोगों की मर्जी। सर लोग हमेशा, जनता बड़ी होती है, व्यक्तिगत आदमी कभी बड़ा नहीं होता। अगर हम बात निकली षडयंत्र के तहत, हम लोग परेशान होते हैं, फैमिली के मेंबर हरजिंदर सिंह की हम बड़ी मतलब एक यूं कह लिए उत्सुकता से नहीं, हम बड़े एक दर्दमयी उसमें इंतजार कर रहे थे हरजिंदर सिंह का कि आएगा तो हम उसको डांट भी लगाएंगे और ये उलाने भी देंगे कि तूने अच्छा नहीं किया। हमने उसको कहा, हरजिंदर सिंह को 11:30 बजे के करीब आता है कि हरजिंदर सिंह आपने ठीक नहीं किया। बोले मेरी बात सुनोगे? मैंने कहा सुनाओ। कहता जी अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं एक विशेष कौम पर लाठी ना चलाता और एक कौम पर लाठी चलाता तो मतलब ऐसे अगर मैंने ऐसे किया है, अब जो मैंने एक्शन लिया है, अब तो मैं कौम का गद्दार हूँ। कौम ने मुझे गद्दार कहा, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। मैं स्वयं गद्दार, अगर मुझे कौम कहती है तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार है, मुझे कौम कह रही है। अगर मैं ऐसे करता तो फिर सारा देश इस कौम को गद्दार कहता। मैं कौम को गद्दार निकलवाना चाहता था, मैंने इसलिए ऐसा किया और मेरी ये ड्यूटी थी, मेरा करना फर्ज बनता था। और वैसे भी जब पाकिस्तान का युद्ध होता, कहीं और युद्ध होता है, हर जगह पे जो है सिख रेजिमेंट को आगे लगाया जाता, किस लिए? कि वो कभी गद्दारी नहीं करते। और अगर आज हरजिंदर सिंह SHO ऐसे कर देता तो मेरा ख्याल वो जो लोगों ने शहीदियां डाली थी युद्ध में या सिखों की जो रेजिमेंट्स हैं, शायद वो एकदम धूमिल हो जाती। तो मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप भी मेरे पक्ष को जरूर रखिएगा। और जिन लोगों को जो लोग हताश हुए हैं, जिन लोगों का हृदय मतलब 4-5 दिन हो गए, बड़े लोग परेशान हैं, शायद हम सो जाते होंगे, वो लोग नहीं सोते। देखो एक कौम की बदनामी होती है, साथ साथ कौम के साथ साथ एक पर्टिकुलर आदमी को आप टारगेट कर रहे हो। मुझे आप यहाँ पर आप सब लोग पत्रकार बैठे, वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनी होगी कि लाठी कोई और भी चला रहा होगा। आप और वीडियो प्रस्तुत तो कीजिए, आप लाठी चलाते कि किसी और की बात भी। तो मेरा कहने का मतलब आप पर्टिकुलरली इसको टारगेट मत कीजिएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरी आवाम से प्रार्थना है, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम का, किसी किसान भाई का या किसी और भी देश विदेश में किसी का भी जो है, अगर फिर भी हृदय को वेदना पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो हरजिंदर सिंह की और वो जो नवयुवक, दो सिख नवयुवक हैं, मतलब सही पूछो तो मैं अपनी कौम की आपको सफाई भी देने आया हूं।
तो उसमें जो है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह की घटना घटती है, कैसे होता है, क्या प्रकरण होता है। उस आदमी का जो चोट जो लाठी लगती है, पुलिस को आदेश होता है कि सिर में लाठी आपने नहीं लगानी। हरजिंदर सिंह ने उसके सिर में लाठी नहीं लगाई। सर आप देखिए, गौर से देखिए उस वीडियो को, इतनी वीडियोज इतनी चोटें लगी लोगों के, केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह की वीडियो वायरल हो रही है। कमाल की बात है। और वीडियो वायरल क्यों नहीं की गई? तो ये एक बहुत बड़ा षडयंत्र था, ये कौम को बदनाम करने वाला षडयंत्र था जो रचा गया। उसके उपरांत जब हरजिंदर सिंह आता है, हम लोग भी हताश हो गए थे, हमारी सारी फैमिली हताश हो गई थी कि ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए थे। हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे हरजिंदर सिंह ने ये सारा काम कर दिया हो। अगर अकेले हरजिंदर सिंह से ही ये सारा काम होना था, जब वो दो नवयुवक सिख जो हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल कहीं भी कोई घटना घटे, कहीं भी कोई आंदोलन हो, इन तीनों को भेज दो, आंदोलन संभाल लेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। 36 बरादरी के किसान थे और 36 ही बरादरी के नौजवान वहाँ थे जिनका आपस में टकराव हुआ। वो नौजवानों में से 90% नौजवान किसान के बेटे थे। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये तो कहता हूँ कि नौजवान जवान और किसानों के बीच में जो है झगड़ा हुआ है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े में जो है किसान का किसान के साथ ही एक प्रकार से हो गया, क्योंकि वो भी बेटे किसान के थे, पर उनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी थी, इनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी थी। दोनों ने अपनी अपनी जो ड्यूटी है की है। इसके अलावा जो है, अगर मैं आप लोगों से, इसके अलावा वहाँ पर 700 लोग हैं। 700 प्रकरण के दौरान सिखों को, जहाँ अपनी कौम के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, केवल मात्र हिंदुओं के ऊपर उठाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कौम गद्दार है। अगर हरजिंदर सिंह ऐसे करता है तो कौम गद्दार कहेंगे। अगर हरजिंदर सिंह सिखों के ऊपर हाथ उठाता है, आपने वो वीडियो क्लिप लेने हैं, तो हम कहेंगे हरजिंदर सिंह कौम का गद्दार है। दो मकसद लेकर के वो षडयंत्रकारी चला सर, उन दोनों मकसदों में वो एक मकसद में कामयाब हो गया। वक्त आएगा, मैं उस षडयंत्रकारी का नाम भी बताऊंगा, उस षडयंत्रकारी का कौन सा केस कहाँ चल रहा है वो भी वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा, और वो निकलेगी भी बात। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हों और केवल मात्र वीडियो हरजिंदर सिंह SHO के पीछे पीछे घूम रही हो, और किसी की आपने वीडियो देखी है जिसमें आपको लगा हो। अब आप वीडियो की बात अगर आप करते हैं, हरजिंदर सिंह को आपने देखा, जो हरजिंदर सिंह की वीडियोस वायरल हुई हैं, वहाँ पर पथराव हो रहा था, चोटें लग रही थी। आप देखो हरजिंदर सिंह की बॉडी के ऊपर बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है, बाकी पुलिस बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? हरजिंदर सिंह से जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है, तो हरजिंदर सिंह ने कहा ये तो बहुत बाद की बातें हैं, सब 200-250 मीटर तक पुलिस जा चुकी थी और मैं तो पीछे अभी खड़ा हुआ था, तो तब ये प्रकरण होता है। उसके बाद आप लोग एक और देखते हैं कि एक पुलिस एक वीडियो आपके पास वायरल हुई, जो मुख्यतः वायरल हुई है, जिसमें अच्छा फिर ये उकसा, ये घटना बढ़ती कैसे? उस षडयंत्रकारी ने क्या किया, एक मैं उसको किसान नहीं कहूँगा, एक नवयुवक को तैयार किया जाता है, और वो नवयुवक वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हैं, हरजिंदर सिंह के वहाँ पर ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर किसान भी हैं, वो किसान जो हरजिंदर सिंह के ऊपर फक्र करते थे, मान करते थे, उनके सामने उनको प्रॉपरली टारगेट किया जाता है। इसने गोली चलाई, केवल मात्र गोली की बात नहीं की जाती सर। सर अगर मैं, आपने तो चलो वीडियो, मेरे ख्याल बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, एक आदमी ने कहा आपको शर्म करनी चाहिए, तो किसान है, तब वो किसान नहीं था, तब वो जवान था, तब वो ड्यूटी पर था, तब वो किसान की भूमिका नहीं था, मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ तक भी कह दिया गया कि तू तो हरामदा है। सर आपको यहाँ किसी को भी ऐसे शब्द कह दे, मेरे ख्याल मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो देखिए गौर से, हरजिंदर ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वहाँ की जो फोर्स थी, उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब इसको कह रहे हैं तो कल को हमें कहेंगे, तब एक्शन लिया गया, तब ऐसा हुआ। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पत्रकार ने कुछ लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कहने लगे जी हमने हरजिंदर सिंह SHO को ये कहा कि आप हमारे सरदार भाई हो, आप भी हमें पीट रहे हो। सर इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव हो सकता है कि आप पुलिस फोर्स की तरफ लड़ रहे हो, आपको SP IG जिसका भी आदेश हो, आपको आपके ऑफिसर्स का आदेश हो, आपके ऑफिसर्स आपके पुलिस कर्मियों को भी चोट लग रही हो, और आप एक विशेष वर्ग को पीटो और एक विशेष वर्ग को छोड़ दो? इज इट पॉसिबल? मैं नहीं मानता संभव। अगर ऐसा हमारा बेटा करता तो मैं ज़रूर कहता कि ये गलत है। अब उसके बाद जो है, जब इतना आपने उसको टारगेट किया है, उसके बाद आप दूसरी वीडियो पर आइए। जो दूसरी वीडियो आती है जिसमें हरजिंदर सिंह के द्वारा एक आदमी की टांग पर लाठी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं, हाँ जी कॉलर मान लेते हैं कॉलर, ये कोई तो उसमें क्या होता है, पहला किसान आप देख रहे हैं, पहला किसान हाथ जोड़ता है। अब वो पता नहीं किसान की क्या स्टेटमेंट होगी, लेकिन मैंने हरजिंदर सिंह को पूछा कि वो क्या कहने लगे, वो किसान ये कह रहे थे कि हमारे कुछ बीच में कुछ शरारती तत्व आ गए हैं जिनकी वजह से ये उपद्रव हुआ है, हम आपको बता देंगे, आप भी अपने पुलिस वालों को समझाइए कि ऐसा ना करें, हम आपको बता देंगे। उसी टाइम आप देखते हैं एक कुर्ते पैजामे में पहने हुए, मेरे ख्याल वो शायद शख्स यहाँ पर आए भी होंगे,
ये पीछे देखो सर खड़े हैं सरपंच साहब वहाँ के बरसत के हैं। सर आपका नाम सर? साहब सिंह। साहब सिंह पहलवान साहब सिंह के नाम से जाने थे। ये हैं जो काले एक ब्राउन कुर्ते पजामे में परना लटकाए हुए पुलिस के बीच में से निकल के आ रहे। अगर पुलिस ने लाठियां बरसानी होती क्या इनके ऊपर लाठी ना बरसती? अगर पुलिस ने हरजिंदर सिंह ने, मैं पुलिस की तो यहाँ बात ही भूल जाऊँ क्योंकि हरजिंदर सिंह जब टारगेट किया गया, एक विशेष कौम को टारगेट, तीन सिख थे तीनों सिखों को टारगेट कर दिया गया, तो क्या हरजिंदर सिंह SHO इसके ऊपर लाठियाँ चार्ज ना करते? क्या हरजिंदर सिंह SHO उस आदमी के ऊपर लाठी चार्ज ना करता जो हाथ जोड़ रहा था? उस आदमी ने जो वाइट कुर्ते पजामे वाले किसान, मैं उसको अब तो किसान ही कहूँगा क्योंकि किसान आंदोलन में है, उस किसान ने जब अपशब्द प्रयोग किए हैं तो तब जरूर ऐसा हुआ। मैं इसे नकारता नहीं, मैं इसे जवाब नहीं दे रहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात की जरूर सारे वीडियो से सारे मीडिया से कहता हूँ कि सर बॉडी उस टाइम भी हरजिंदर सिंह ने कोई बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहना हुआ है।